हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे दे 187 हंड्रेड एटी सेवन डेली फार्मामसी की डोज सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 50 एम सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं सो so, चले स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है एन इज़ प्रोड्यूस्ड इन पेंटोस फॉस्टिट पाथवे इज़ यूज इन तो एन ए डी पी एच क्या होता है सो इट इज़ निकोटीनामाइड एन ए डी पी एच इज निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजनज ठीक है तो एन ए डी पी एच जो है वो आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से प्रोड्यूस होता है एंड कहाँ पे इसका यूज़ रहता है कहाँ ये यूटिलाइज होता है सो इट इज़ यूज इन द फैटी एसिड सिंथेसिस सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द सेम रिएक्शन इज़ टर्म्ड एज सो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एंजाइम्स की जो कि सेम रिएक्शन को कैटालाइज करती हैं दीज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स आर नॉन एज आइसो एंजाइम सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल एंजाइम इज़ रेफर टू एज तो जो फंक्शनल एंजाइम होता है दैट इज़ नॉन एज होलो एंजाइम सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई पेप्टिडेज फोर इज मेंबर ऑफ डैश प्रोटीज़ ठीक है डाई पेप्टिडेज पेप्टीडेज फोर जो है ये आपका एंजाइम होता है तो ये आपका किस प्रोटीज फैमिली का मेंबर होता है सो इट इज़ ए मेंबर ऑफ सीरिन प्रोटीज सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एंड जो आपके डी पी पी फोर होते हैं डी पी पी फोर ये आपके हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स की तरह यूज़ होते हैं एंड इसमें आपके जो ग्लिप्टिन वाले ड्रग्स होते हैं ग्लिप्टिन वाले ड्रग्स जैसे कि सीटा ग्लिप्टिन हो गया लेरा ग्लिप्टिन सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज एज डी पी पी फोर इनहिबिटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ गैलेक्टोस मेटाबोलिज्म गैलेक्टोस मेटाबोलिज्म का इनहेरिटेड डिसऑर्डर कौन सा है सो इट इज़ गैलेक्टोसेमिया सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑफ अल्काइल वनजींस सल्फोनेट्स आर मेटाबोलाइज बाय सो जो आपके अल्काइल वनजीन सल्फोनेट्स होते हैं उनमें जो टर्मिने टर्मिनल मिथाइल ग्रुप जो एंडिंग मिथाइल ग्रुप होता है वो किस मेथड के थ्रू जो है वो मेटाबोलाइज होता है सो इट इज़ मेटाबोलाइज थ्रू द ओमेगा ऑक्सीडेशन सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन डॉक्स रिएजेंट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सो ड्रैगन डॉफ्स रेजेंट जो कि आपका अल्कोलोइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है इसकी कंपोजिशन क्या है सो इट कंटेन्स पोटेशियम बिस्मत आयोडाइड सो इसमें आपका ऑप्शन डी एस करें अगर पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होगा सो दैट विल बी द मेयर्स रिएजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेट फ्लेवनॉन्स टाइप ऑफ फ्लेवेनॉइड फाउंड इन ग्रेफ्रूट इज तो ग्रे फ्रूट में कौन सा टाइप का फ्लेवेनोइड जो है वो प्रेजेंट होता है सो so, इसमें आपका ग्रे फ्रूट में नैरिन जेनिन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेट फ्लेवोनोन्स टाइप ऑफ फ्लेवेनोइड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स इज तो सिट्रस फ्रूट्स में किस टाइप का फ्लेवेनोइड प्रेजेंट होता है सो दिस इज हिस्स सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो सेफली दिया जा सकता है सो दिस ड्रग इज़ क्लोरोक्विन जो कि आपका मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नोकेन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सो लिग्नोकेन जो है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है सो so, लिग्नोकेन आपका बेसिकली एनेस्थेटिक ड्रग है एंड ये आपका बेंट्रिकुलर टार्डिया कंडीशन में यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज इन ए बी ब्लॉक ठीक है ए बी ब्लॉक में कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ होता है सो दिस इज द प्रोप्रेनोलोल ड्रग सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल ड्रग्स एक्सेप्ट सो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स किस ड्रग में नहीं देखी जाती है सेलिसाइलेट्स बारहवीं चिरेट्स और इथेनॉल सो बारहवीं में जो है वो आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं फॉलो करता है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एक प्रोड्रग नहीं है प्रोड्रग आपका वो ड्रग होता है जो कि आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ठीक है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है डाइजीफाम जो है डाइजीफाम आपका एक्टिव ड्रग होता है ठीक है तो इट इज़ नॉट अ इनएक्टिव ड्रग Uh, हालांकि इसका जो एक्ट ये खुद भी एक्टिव ड्रग है एंड इसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव होता है नॉटाइजिप नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल वेरियर कौन सा ड्रग जो है वो इनमें से प्लेसेंटल वेरियर को क्रॉस नहीं करेगा सो मॉर्फिन लिथियम वॉर्फिन और हिपेरिन सो हिपेरिन इज द ड्रग विच डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल वेरियर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरलो कोर्टिकोइ्स कोजेज तो मिनरलो क्वार्टिगोइ्स के कॉज करते हैं सो so, ये बेसिकली कॉज इज द सोडियम वरी ऑफ द ऑप्शन सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यू वी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर द लाइट सोर्स इज यू वी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में लाइट सोर्स क्या होता है सो लाइट सोर्स इज ड्यूटीरियम लैम्प सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रा रेड स्पेक्ट्राइज बेस्ड अपॉन सो इन्फ्रेड स्पेक्ट्रा ठीक है आई आर रेडिएशन का प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस्ड है सो इट इज़ बेस्ड ऑन द मोलिकुलर वाइब्रेशन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है वो आपका यू वी में देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है so इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेडीन रिंग सिस्टम प्रेजेंट तो इनमें से किस ड्रग में जो है या किस विटामिन में बेसिकली ये सारे विटामिन हैं तो किस विटामिन में आपका टेरेडिन रिंग जो है वो देखने को मिलता है सो दिस वन इज़ द फॉलिक एसिड सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट इसको विटामिन बी नाइन भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज अ कम्बिनेशन ऑफ सो अमाइनोफाइलिन जो है वो टू ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है वन इज थियोफाइलिन एंड अदर इज इथाइलिन डायमाइन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर रिंग सिस्टम इज अ फ्यूजन ऑफ तो प्योर रिंग सिस्टम पिरीमिडिन एंड इमिडाजोल रिंग की फ्यूजन होती है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोसेमाइड कंटेन्स द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल फिरोसेमाइड ड्रग है इसमें कौन सा हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप जो है हो प्रेजेंट होता है सो दिस इज अ फिरान। फिरान रिंग जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म ऑफ़ एवरी पेटेंट इन इंडिया अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इज़ तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है एक तो इंडियन पेटेंट एक्ट जो है वो बीस ईयर तक जो है वो वैलड रहता है सो so, मीन्स जो भी आप पेटेंट करवाते हैं वो बीस साल तक वैलिड रहता है किस डेट से बीस साल तक जब आपने एप्लीकेशन जो है फ़ाइल की गई है वहाँ से उस डेट से बीस साल तक वैलिड रहता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी ट्वेंटी ईयर सेज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलॉक्सीफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन सो रेलॉक्सीफिन जो है वो आपका इंडिकेट किया जाता है फॉर द यूज इन पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा आई जी जी इज़ अ सो इम्यूनोगोगलोबुलिन गामा जो है आई जी जी एंटीबॉडी होती है ये बेसिकली क्या है सो इट इज़ अ प्रोटीन ठीक है प्रोटीन ही आपकी जो है मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज़ होती हैं विचार द बेसिक स्ट्रक्चर इज प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स डील्स विद तो जो आपका शेड्यूल एक्स होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो किस चीज़ के साथ डील करता है तो so ये आपका शेड्यूल एक्स डील करता है नार्कोटिक एंड साइकोटॉपिकांसिस के साथ में जो बेसिकली आपकी हैबिट फॉर्मिंग होती है एंड जिनका मिसयूज किया जा सकता है सो so यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग एंड लाइकली टू बी मिसयूज

सो so, ऐसे कंपाउंड जिनमें थैलेट जो है वो आपका मेनली यूज होता है तो इससे आप इस टर्म से जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंटेरिक मटेरियल है या नहीं है तो so, इसमें आपका हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्युलोस थैलेट जो है ये आपका एंटेरिक पॉलीमर होता है इसके अलावा कैप जो है वो सेलोस एसिटेड थैलेट ये भी आपका जो है वो एंटेरिक पॉलीमर होता है इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्ग्रीडियन दैट मे बी यूज एज अ सस्पेंडिंग एजेंट इज़ तो so, इनमें से कौन सा ऐसा इन्ग्रीडियंट है जिसको एज अ सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज़ किया जा सकता है सोडियम लॉरियल सल्फेट लेक्टोस मिथाइल सेलोस और सेलुलोस थैलेट तो सस्पेंडिंग एजेंट आपका मिथाइल सेल्लोस को सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जा सकता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मीफे प्रेस्टोन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ तो मीफेप्रेस्टोन ड्रग है जो कि आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है ठीक है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटागोनिस्ट एट एन के वन रिसेप्टर्स एंड इज यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजियन वॉमिटिंग ठीक है तो नोज वामिटिंग को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली इन ड्रग्स का यूज़ होता है एंड ये नोजी एंड वामिटिंग जो है वो आपका कीमोथेरेपी की वजह से होती है तो ये कैंसर के टाइम पे जो कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके दौरान जो है वो नोज एंड वॉमिटिंग कंडीशन साइड इफेक्ट जो है वो अराइज होते हैं एंड उसी को प्रिवेंट करने के लिए आपका ड्रग दिया यूज़ किया जाता है एप्रीपिटेंट सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोस्टिरोन इज सिक्रीटेड बाय सो एल्डोस्टिरोन कहाँ से सिक्रीट होता है तो so ये आपका एडनलगोटे से सिक्रीट होता है वहाँ पे भी जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से जो है वो ये सिक्रीट होता है तो ऑप्शन बी जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एडनल कॉर्टेक्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पी सी एस ई ए डील्स विद तो सी पी सी एस सी ए बेसिकली क्या रहता है तो सी पी सी एस सी ए जो है वो आपका एक कमेटी रहती है अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो सी पी सी ए में सी स्टैंड फॉर कमेटी इट इज़ कमेटी For the purpose of committee for the PCIatehapka purpose, purpose of then again C is for control and S is for supervision and S is for supervision of then E stands for experiments experiments on and A stands for animals. ठीक है सो इसको अगर आप कंप्लीट स्टडी करेंगे तो इट इज़ द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स ठीक है कि जो भी एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करना एंड उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई एक कमेटी है ठीक है जिसका काम ये सारी चीज़ें करना है ठीक है सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि, कि किसके साथ डील करती है फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो रहा है दैट इज़ इट डील्स विद द एथिकल इशू ऑफ यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स ठीक है लेबोरेटरी में यूज होने वाले एनिमल्स का यूज एथिकली करना ठीक है सो इट डील्स विद ऑप्शन नंबर डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेन डिपिटी इज सेरेन्न डिपिटी इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन बाई चांस सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अ वीक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज़ prophylactic एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरियेमिया caused बाय mycobacterium avium complex in कॉम्प्लेक्स इन एड्स पेशेंट ठीक है किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन वनस इन अ वीक करवाई जाती है ठीक है किसके लिए करवाई जाती है इट हैज़ द प्रोफाइलेक्टिक एक्टिविटी किसके अगेंस्ट बैक्टीरिएमिया के अगेंस्ट अगेंस जो कि आपका बैक्टेरिएमिया कोज होता है माइको वैक्टीरियम ए कॉम्प्लेक्स से एड्स पेशेंट में ठीक है ऑलरेडी जिनको एड्स है उन पेशेंट्स में ठीक है सो ये ड्रग कौन सा है सो दिस ड्रग इज़ अजिथ्रोमाइसिन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स आर टू बी कैरिड आउट एज़ पर द जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं ड्रग्स के इम्पोर्ट के लिए या नए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आपके आते हैं शेड्यूल वाई में सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस आपका ईथर की प्रिपरेशन में जो है वो यूज होती है सो ईथर बेसिकली आपके आर ओ आर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके ईथर्स होते हैं दूसरे आपके एक एस्टर्स होते हैं सिमिलर टर्म से सो दैट इज आर सी ओ ओ आर ठीक है ये इसमें रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर कंटेन्स कीटोकोनाजोल ड्रग जो है वो आपका एंटीफंगल ड्रग है इसमें इमिडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोडल मोइटी इज सो किस विटामिन में स्टीरोडल मोइटी होती है सो दिस विटामिन इज विटामिन डी सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन डॉफ्स रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सो ड्रैगन डॉफ्स रिएजेंट किस Uh, किस ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है तो ये आपका यूज़ होता है अल्कोलोइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इट इज़ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड तो ये इसकी कंपोजिशन हमने देखी थी प्रीवियस क्वेश्चन में सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ फ़ोर ऑफ़ क्लिनिकल ट्रायल इज़ परफॉर्म सो जो क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज़ फ़ोर होता है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है तो so, ये आपका बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है दैट इज द आफ्टर ड्रग अप्रूवल जो काम रहता है वो आपका फेज़ फोर क्लिनिकल ट्रायल्स में आता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशियंट इन ग्रे बेबी सिंड्रोम ग्रे बेबी सिंड्रोम में कौन सा एंजाइम जो है वो मोस्ट कॉमनली डेफिशियंट होता है ठीक है सो so, ये एनजाइम आपका होता है ग्लूक यूरोनियल ट्रांसफरेज सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड ग्रे वेवी सिंड्रोम जो है वो आपका साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट है किस ड्रग का होता है ये सो क्लोरमफेनिकोल ड्रग जो है उसका आपका मेन साइड इफेक्ट जो है वो होता है ग्रे वेवी सिंड्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय सो ऑप्शन रेट कॉन्स्टेंट जो है वो आपका कैलकुलेट होता है बाय द वेगनर नेल्सन मेथड तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जी एल पी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस दैट इज़ जी एल पी ये किसके ऊपर बेस्ड है सो so, ये आपका वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ ओ ई सी डी गाइडलाइंस सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ओ ई सी डी क्या होता है इन दिस ओ इज ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक

डेमोक्रेसी से बनी हुई हैं यूरोप से नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर जीएलपी सर्टिफिकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर कीविंग द डाटा एंड सैंपल्स इन अ क्लिनिकल ट्रायल विद सो जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को आर्किव करने की एंड सैम्पल्स को एक क्लिनिकल ट्रायल में वो किसकी होती है सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टडी डायरेक्टर सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ नॉट प्राइमरली एलिमिनेटेड थ्रू किडनी इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो किडनी से प्राइमरली एलिमिनेट नहीं होता है सो so, सीफोटेक्सिम सीफोपैराजोन जेंटामाइसिन और बेंजाइल पेनिसिलिन सो so, दिस ड्रग इज़ सेफोपेराजोन सो so, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टमेनिक्स डज नॉट प्रोलॉन्ग क्यू टी सी इंटरवल तो क्यू टी सी इंटरवल को कौन सा ड्रग जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं करता है सो क्यू टी सी इंटरवल क्या है सो so बेसिकली जो आपका ए सी जी डाइग्राम रहती है उसमें इस टाइप से आपका एक ग्राफ बनता है ठीक है इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा सो so, ये वाली वेव जो है ये आपकी होती है पी वेव जो यहाँ से ये नीचे जा रही है इट इज़ क्यू वेव जो टॉप मोस्ट पे जा रही है दैट इज़ आर देन नीचे आ रही है देन एस एंड दिस अगेन द टी वे सो जो ये वाला टाइम है ठीक है जो कि आपका क्यू क्यूटी इंटरवल बेसिकली होता क्या है इसमें वो टाइम मेजर किया जाता है जो कि हर्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के बीच का टाइम होता है ठीक है so, सो इसमें इस टाइम को जो है वो पुरोंग कौन सा ड्रग नहीं करता है तो ये ड्रग आपका कौन सा रहता है दिस इज़ मेजो लास्टिन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बाकी ड्रग आप देख सकते हैं टर्फेनाडिन एस्तेमिजोलैंड इवास्टिन ये तीनों ही ड्रग आपके इस इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया और हर्ट ब्लॉक ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए या फिर हर्ट ब्लॉक को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया सो दिस ड्रग इज़ एट्रोपिन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट सो so, इसी के साथ में हमारे आज के 50 एम सी के क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच